अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त हदीयत खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सफर पाकिस्तान। तो आज मैं इस वीडियो में आप सब दोस्तों को सोन वैली के दो नए पॉइंट की सैर करवाने जा रहा हूं। मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक शायद ही किसी ने इस जगह का विजिट किया हो अभी तक। तो बढ़ते हैं आगे बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ। तो हमारा सफ़र कैदाबाद से शुरू होता है। कैदाबाद से मेरे अमदाल तक जो रास्ता है वो किसी ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये दो खूबसूरत पॉइंट कैदाबाद से आगे अम शरीफ से आगे महोड़ियाँ वाला से आगे घमंदड़ा और महोड़ियाँ वाला के दरमियान एक जगह है जिसे कहते हैं नूनकी से इस जगह का रास्ता निकलता है। वैसे तो मेरे मालिक ने सोन वैली को बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा झीलें और आबशारें सोन वैली में ही देखने को मिलती हैं। कदम कदम पर कुदरत ने अपने रंगों को बखेर रखा है और मेरी यही कोशिश होती है कि हफ्ते में एक दिन मेरा सोन वैली में ज़रूर गुजरे। तो अगर आप भाई नौशहरा उछाली वाली साइड से आना चाहें तो रास्ता बिल्कुल नया बना है। उछाली आएंगे, उछाली से आगे घमंदड़ा से सिर्फ 2-3 मिनट के सफ़र पर नूनकी आएगा। नूनकी और जिस जगह का मैं आपको विज़िट करवा रहा हूं, ये जगह फत्तू वाली नाम से मशहूर है और यहां पर सुल्तान बाहू साहब के साहबजादे एक बहुत बड़ा डेरा और चिड़ियाघर वगैरह भी बना रहे हैं। अब जो है ना हमारी पैदल ट्रैकिंग शुरू हो गई है, तो देखते हैं कितनी देर तक जो है ना हम अपनी मंजिल पे पहुंच पाते हैं। अपनी मंजिल की तरफ जो है ना रवा दवा है और ये भाई यहीं के मकामी हैं। ये हमें जो है ना हमें अपनी मंजिल से मिलाने वाले हैं और हमें इस पॉइंट तक जो है ना मिठाई अल्लाह पाक की नेमतों में से एक और नेमत हमें खाने को मिली है। फर्स्ट टाइम खा रहे हैं लेकिन माशाल्लाह क्या ही जायका है। लेकिन हिसाब अगले जान बताएं। लेकिन अगर ज़िंदगी में कहीं मौका मिले, ये दरख्त देख रहे हैं आप, उसके पत्ते देखें, इसके ऊपर ये लगे हुए हैं जी और इस कलर के ये, यकीन जानिए इतनी मिठास जो है ना मैंने कभी किसी फ्रूट में नहीं देखी, बहुत ही मीठा है। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और मेरे सामने एक और दरख्त देखें आप, बिल्कुल फल जो है ना पक चुके हैं इसके ऊपर भी, यकीन जानिए। अगर तो अभी हम दूसरे पॉइंट पर पहुंच गए हैं, आप दूसरे पॉइंट का नज़ारा देखें। जगह तो काफ़ी लोकेशन वाली लग रही है, माशाल्लाह क्या सीन है। और इस जगह पे मैं पहुंचा हूं और इस जगह के मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूं। आप ड्रोन शॉट के मज़े लें और मुझे बताइएगा कि ये जगह आपको कैसी लगी। ये सोन वैली में है और घमंदड़ा से थोड़ा पीछे नूनकी शहर का नाम है। ये साथ ही सुल्तान बाहू साहब का डेरा बना हुआ है, उस डेरे से तकरीबन 10 मिनट के फासले पर ये जगह है। माशाल्लाह आप चेक करें, बिल्कुल तंदूर जैसी शक्ल है इसकी, जो तालाब बना हुआ है नीचे और ऊपर से जो ग्रीनरी माशाल्लाह नज़र आ रही है, क्या ही खूबसूरत ग्रीनरी है। और मैं आपको ये दिखाऊं पहाड़ी का मंज़र जहाँ पे मैं खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये देखें, ये लगता है पहाड़ी के अंदर जो है ना गैप है वो सामने नज़र आ रहा है आपको। और ये देखें अंदर से बिल्कुल खाली है और ऊपर से जो है ना मिला हुआ है पहाड़ अंदर से जो है ना। देखें आप, ये देखें, ये आप देखें, ये पहाड़ी देखें आप, क्या ये।
तो इस पॉइंट से मैं ड्रोन को थोड़ा ऊपर ले जाकर मेन रोड की तरफ ले जाता हूँ। ये जगह मेन रोड से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर होगी। ये सामने वाटर सप्लाई और जिस जगह से आपने मेन रोड को छोड़ना है वो जगह है। अब तो खैर कैदाबाद से अम शरीफ तक रोड भी डबल बन रहा है और सून वैली में सर्दियों में यहाँ स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये जगह आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।